स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में कंपेरिजन करने वाला हूँ टीवीएस जुपिटर 125 और हीरो मेस्ट्रो एज 125। ये दोनों स्कूटर 125 सीसी सेगमेंट में आती है। अगर आप 125 सीसी स्कूटर लेने के सोच रहे हैं तो ये दोनों स्कूटर के बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये दोनों स्कूटर में आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों टीवीएस जुपिटर 125 और हीरो मेस्ट्रो एज 125 की पूरी डिटेल से कंपेयर करेंगे और जानेंगे कौन से स्कूटर कौन से मामले में आगे होती है, किस में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेगा, किस में आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा और दोनों स्कूटर के शोरूम प्राइस क्या रहने वाली है और ऑन रोड प्राइस क्या पड़ेगी, सब कुछ के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोनों स्कूटर के डिजाइन और लुक की बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डिजाइन मॉडल लुक अपना अपना व्यक्तिगत पसंद होता है, तो डिजाइन और लुक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको मैं सीधी सीधी बता देता हूँ, टीवीएस जुपिटर में आपको मेटल बॉडी मिलेगा जबकि मेस्ट्रो एज में फाइबर बॉडी मिलेगा। फाइबर बॉडी होने के कारण दोस्तों इसमें आपको कष्ट ज़्यादा मिल जाता है, जो कि स्पोर्टी लुक मिलने वाली है मेस्ट्रो एज में, जबकि टीवीएस जुपिटर में आपको क्लासिकल लुक और सिंपल लुक देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों स्कूटर में आपको सामने एलईडी हेडलैम्प मिल जाएगा, LED DRL देखने को मिल जाती है। तो देख सकते हैं फ्रंट लुक किसका अच्छा लगता है, साइड लुक भी देख सकते हैं। बाकी बात टेल लैम्प में, आपको दोनों में LED नहीं मिलेगा, नॉर्मली जो बल्ब आता है वही मिलेगा। बात करते हैं दोनों स्कूटर के इंजन स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहले टीवीएस जुपिटर की बात करते हैं, तो इसमें इंजन लगाया गया है 124.8 cc का, एयर कूल 4-स्ट्रोक 2 बल्ब ETF5 प्रोग्रामेड फ्यूल इंजेक्शन मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर निकालती है 8.15 PS की 6500 RPM पर एंड मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है 10.5 Nm का 4500 RPM पर। मेस्ट्रो एज में इंजन लगाया गया है 124.6 cc का, एयर कूल 4-स्ट्रोक एडवांस प्रोग्रामेड फ्यूल इंजेक्शन मिलेगा। इसमें XX टेक्नोलॉजी का इंजन लगाया गया है, मैक्सिमम पावर निकालती है 9.10 PS की 7000 RPM पर एंड मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है 10.4 Nm का 5500 RPM पर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पावर ज़्यादा मिलता है हीरो मेस्ट्रो एज में, जो कि इस स्कूटर में आपको टॉप स्पीड ज़्यादा मिल जाएगा। बाकी बात देख सकते हैं टॉर्क लगभग दोनों स्कूटर में सेम देखने को मिलती है, थोड़ा सा जुपिटर में आपको टॉर्क ज़्यादा मिलता है, तो हो सकता है इस स्कूटर में आपको इनिशियल पिकअप आपको ज़्यादा मिल जाए। आगे बात करते हैं टायर और ब्रेक्स की। जुपिटर 125 में आगे और पीछे 90-90 बारे का ट्यूबलेस टायर मिलेगा, जबकि मेस्ट्रो एज की बात करते हैं तो इसमें आगे मिलेगा 90-90 बारे और पीछे 90-110 ट्यूबलेस टायर मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों मेस्ट्रो एज में पीछे वाला टायर थोड़ा सा छोटा है, यानी कि पहिया छोटा है 10 इंच का, बाकी बात टायर प्रोफाइल में कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा ब्रेकिंग की बात करते हैं, तो जुपिटर 125 में फ्रंट में 220 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा, जबकि मेस्ट्रो एज की बात करते हैं तो आगे 190 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक लगाया गया है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हो सकता है जुपिटर 125 में अच्छी मिल जाए, क्योंकि फ्रंट वाला डिस्क साइज है थोड़ा सा बड़ा है। बाकी बात दोनों स्कूटर में आपको CBS ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। सस्पेंशन की बात करते हैं, तो टीवीएस 125 में फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन लगाया गया है और पीछे मोनोट्यूब गैस फिल्ड शॉक ऑब्जर्वर लगाया गया है। मेस्ट्रो एज में फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर लगाया गया है और पीछे हाइड्रोलिक डैम्पर लगाया गया है। आगे बात करते हैं डायमेंशन की। जुपिटर की बिल बेस है 1275 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm, सीट हाइट 765 mm, सीट लेंथ 790 mm, फ्यूल टैंक 5.1 लीटर और स्कूटर का वजन 108 kg। मेस्ट्रो एज की बिल बेस है 1261 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm, सीट हाइट 775 mm, फ्यूल टैंक 5 लीटर और स्कूटर का वजन 111 kg और 112 kg। डायमेंशन के मामले में जुपिटर 125 आगे हो जाएगी, क्योंकि इस स्कूटर में बिल बेस ज़्यादा मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलता है, इसके अलावा वजन भी कम मिलता है जुपिटर 125 में। वजन कम होने से दोस्तों आपको माइलेज भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। अगर यहीं पर दोनों स्कूटर को माइलेज की बात करते हैं, तो दोनों स्कूटर में मान के चलिए 45 kmpl से लेकर 50 kmpl तक की माइलेज मिल जाएगी। अगर आप सही से चलाते हैं, स्कूटर को सही से मैनेज करके रखते हैं, तो हो सकता है दोनों स्कूटर में आपको 55 तक की माइलेज मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है टीवीएस जुपिटर 125 में नई टेक्नोलॉजी के साथ इंजन आई है, तो हो सकता है टीवीएस जुपिटर 125 में थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज देखने को मिल जाए, क्योंकि इस स्कूटर में आपको राइडिंग मोड मिलता है, इको मोड और पावर मोड। तो इको मोड में बताया जाता है कि लगभग 60 प्लस माइलेज मिल जाएगी टीवीएस जुपिटर 125 में, लेकिन दोस्तों अगर 60 भी ना दे तो लगभग मान के चलिए 55 से लेकर 60 तक की आपको माइलेज मिल जाएगी अगर आप सही से चलाते हैं। तो आगे बात करते हैं दोनों स्कूटर की मीटर कंसोल की। जुपिटर 125 में डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर मिलेगा, जबकि मेस्ट्रो एज 125 में फुली डिजिटल मीटर मिलेगा, साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाती है।
जो कि नेविगेशन मिल जाएगा, कॉल SMS अलर्ट मिल जाएगा, सर्विस रिमाइंडर, साइड स्टेन इंजन कट ऑफ सेंसर, बाकी बात जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सब कुछ मिल जाएगा। जुपिटर 125 की बात करते हैं तो इसमें डिस्टेंस टू MPT, एवरेज माइलेज, स्टैंड फ्यूल एफिशिएंसी, लो फ्यूल इंडिकेटर और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मीटर कंसोल के मामले में मेस्ट्रो एज आगे रह जाएगा क्योंकि इसमें आपको जो ब्लूटूथ मिलता है इसमें आपको कई सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है जो कि जुपिटर 125 में नहीं मिलता है, जैसे कि लाइव ट्रैकिंग, ड्राइविंग स्कोर, लास्ट पार्किंग लोकेशन, स्पीड अलर्ट, टो अवॉइड अलर्ट, ट्रिप एनालिसिस, व्हीकल स्टार्ट अलर्ट, व्हीकल सिक्योरिटी और इसमें जियोफेंस अलर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मीटर कंसोल के मामले में ब्लूटूथ जो मिलता है हीरो मेस्ट्रो एज में इसमें आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल जाएगा जो कि TVS जुपिटर में इतने सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। इसके अलावा हीरो मेस्ट्रो एज में एक्सेस टेक्नोलॉजी के जरिए कई सारा सेंसर मिल जाएगा, जैसे कि I3S टेक्नोलॉजी, थ्रॉटल पोजिशन सेंसर, स्पीड सेंसर, एयर प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ऑयल टेम्परेचर सेंसर, बैक एंगल सेंसर और साइड स्टेन इंडिकेटर। जुपिटर 125 की बात करते हैं तो इसमें आपको 33 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आपको USB चार्जर मिल जाएगा चार्ज करने का, हालांकि मेस्ट्रो एज में भी आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है, लेकिन जुपिटर में खास बात यह है कि आपको फ्रंट में ही ग्लोव बॉक्स के पास चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, जबकि हीरो मेस्ट्रो एज में सीट के नीचे चार्जिंग का सिस्टम दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जुपिटर 125 में थोड़ा सा चार्जिंग सिस्टम अच्छा दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट ग्लोव बॉक्स मिल जाएगा, एक्सटर्नल फ्यूल फिल देखने को मिल जाती है फ्रंट में, इसके अलावा 5-in-1 लॉक यानी कि एक ही लॉक में कई सारा कॉम्बिनेशन लॉक देखने को मिल जाती है, जैसे कि हैंडल लॉक कर सकते हैं, सीट लॉक कर सकते हैं, फ्यूल भरवा सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये सारा आपको एक ही लॉक में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें आपको डुअल मोड मिल जाएगा, इको मोड, पावर मोड, साइलेंट स्टार्टर मिलेगा जो कि आपको हीरो मेस्ट्रो एज में नहीं आती है, साइड स्टेन इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाएगा और पासिंग स्विच देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों स्कूटर में आपको ठीक ठाक फीचर्स देखने को मिल जाती है। दोनों स्कूटर में अपने अपने फीचर्स है, TVS की अपनी फीचर्स है और हीरो की अपनी फीचर्स है। मेरे हिसाब से हीरो मेस्ट्रो एज में आपको थोड़ा सा ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाती है, जैसे कि इसमें आपको ज़्यादा सेंसर देखने को मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिल जाती है जो कि आपको TVS जुपिटर में आपको ब्लूटूथ नहीं मिलता है, जो कि इतने सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कौन से स्कूटर में आपको फीचर्स अच्छा लगता है उसे आप खरीद सकते हैं। दोस्तों फाइनली बात करते हैं दोनों स्कूटर की शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस क्या पड़ने वाली है। तो यहाँ पर TVS जुपिटर की बात करते हैं तो ये आपको 3 मॉडल में मिलता है। अगर आप ड्रम वेरिएंट में लेते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा 73,400। अगर आप ड्रम में अलॉय व्हील लेते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा 76,800 रुपीज़। और इसका टॉप मॉडल लेते हैं यानी कि डिस वाला वेरिएंट लेते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा 81,300 रुपीज़। और ये सभी की ऑन रोड प्राइस लगभग 85,000 से लेकर 93,000 तक की चली जाएगी। मेस्ट्रो एज 125 की बात करते हैं तो ये आपको 4 मॉडल में आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट रख दिया हूँ क्योंकि दोस्तों प्राइस के बताने से थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं शॉर्टकट में रख दिया हूँ। ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी बाइक आपको 93,000 तक की चली जाती है। यहाँ पर प्राइस में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मेस्ट्रो एज में जो 73,000 के अप्रोक्स आती है उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह नहीं मिलेगी। बाकी बात दोस्तों देख सकते हैं कौन सा स्कूटर आपको अच्छा लगता है उसे आप खरीद सकते हैं। दोनों स्कूटर की लगभग मैं पूरी कंपेरिजन करके आपको बता दिया हूँ कौन सा स्कूटर खरीदना चाहेंगे और कौन सा स्कूटर की डिजाइन आपको अच्छी लगती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा। अगर ये वीडियो और ये कंपेरिजन आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।